अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आज टॉपिक है हमारा पोस्ट हाथ स्टडीज़ एरा जैसा कि हमारा प्रीवियस लेक्चर हाथन स्टडीज़ पे था और हमने कुछ हाथ स्टडी के इम्प्लिकेशन डिस्कस किए और हाथ स्टडीज़ में क्या एक्सपेरिमेंट किए गए ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हाथ स्टडीज़ बेसिकली ह्यूमन रिलेशंस पे स्टडी की गई ह्यूमन आप कह सकते हैं कि बिहेवियर पे ये एक स्टडी थी हॉथ स्टडी बेसिकली प्रोडक्टिविटी को एनालाइज करना या मैयर करने के लिए स्टडी की गई हॉथ स्टडीज़ की इफ़ेक्ट जो थे वो कुछ ये थे कि ह्यूमन बिहेवियर कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट सोशलाइजेशन कैसे वर्कर्स को वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को वर्कर्स बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है ये बेसिकली हाथ एंड स्टडीज़ के कुछ आउटपुट थे कुछ कंक्लूजनस थी तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाथ एंड स्टडीज़ में हाथ एंड एक्सपेरिमेंट में जो फोर एक्सपेरिमेंट किए गए फोर फेजिस से हफ्तर स्टडी या हफ्तर एक्सपेरिमेंट जो पास आउट हुआ तो उसके बाद हथ स्टडी के बाद क्या चेंज आया ऑर्गेनाइजेशनल uh, कल्चर में ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेज़ में मैनेजमेंट uh, अप्रोचेज़ में मैनेजरियल अप्रोचेज़ में या फिलासफी में क्या चेंज आ रहा तो आज कुछ हम uh, इसी से रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे पोथ पोस्ट हाथ एंड स्टडी आर बेसिकली क्लियर करते हैं हमें कि जब हाथ एंड स्टडीज़ की गई और हाथ एंड स्टडीज़ के कुछ रिज़ल्ट सामने आए जो क्लियर कर रहे थे कि सिर्फ एल्यूमिनेशन इफ़ेक्ट नहीं करती लाइटिंग इफेक्ट जो है ये आपके प्रोडक्टिविटी को सिर्फ इफेक्ट नहीं कर रहा होता ह्यूमन कम्युनिकेशन वर्कर्स रिलेशनशिप मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशनल इन्वामेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है तो एलिमिनेशन के बाद जो फर्दर एक्सपेरिमेंट रहे वो कल्चर से ही रिलेटेड थे इन्वामेंट से ही रिलेटेड थे तो जब हाथ एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया गया या पब्लिक किया गया तो उसके बाद फिर फर्दर क्या चेंज आया इंडस्ट्रियलाइजेशन में या इंडस्ट्रीज़ में तो पोस्ट हार्थ स्टडीज़ आरा द एंड स्टडीज़ क्रिएटेड इंटरेस्ट द रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स इन वेरियस डिसप्लिन पर्टिकुलरली साइकोलॉजी सोशियोलॉजी सोशल साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी ये देखें ये कुछ बिहेवियरियल स्टडीज़ uh, हैं बिहेवियरियल फील्ड्स हैं जिनमें फर्दर रिसर्च हुई फिर कि ये तो ह्यूमन बिहेवियर पे ही रिसर्च थी तो ह्यूमन बिहेवियर को जब किया हाथरन एक्सपेरिमेंट में आ, कंक्लूजन सी गई कंक्लूड किया गया कि ह्यूमन बिहेवियर जितना मोटिवेटेड हो उस पर जितना काम किया जाए आ, उतना ही आपके आउटपुट प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सकती है इंक्रीज हो सकती है तो इसके बाद जितनी भी स्टडीज़ हुई चाहे वो साइकोलॉजी पे है साइकोलॉजी में काम हुआ सोशियोलॉजी पे काम किया सोशल साइकोलॉजी पे काम हुआ एंथ्रोपोलॉजी पे काम हुआ ये बेसिकली इसकी बेस क्या थी स्टडी थी एज ए रिजल्ट अ न्यू अप्रोच वॉज इन स्टडी ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट तो इसके बाद ये किया गया के ह्यूमन और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को वर्कर और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को ह्यूमन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी को ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस को लिंकअप uh, किया गया और इनके रिलेशनशिप एग्ज़ामिन किए गए और इस पर डिफरेंट स्टडीज़ फिर होती रही दिस अप्रोच बिकेम नोन एज बिहेवियरियल साइंस अप्रोच इट इज़ टू क्लियरली डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट

तो आपको क्लियर रहेगा कि ह्यूमन मोटिव्स क्या हैं प्राइमरी मोटिव आपके क्या होते हैं मोटिव्स क्या होते हैं एक वर्कर के एक ह्यूमन के और जब एक पर्सन एक इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनता है चाहे वो बॉस हो चाहे वो ओनर हो चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशनल uh, ग्रुप का पार्ट हो चाहे वो टीम लीड हो टीम लीडर हो तो किस तरह उसके बिहेवियरियल अप्रोचेस उसके पर्सनलिटी ट्रेट्स उसकी उसके जेनेटिक्स उसके जीन्स उसके एटीट्यूड्स उसे मोटिवेट करते हैं या डिमोटिवेट कर रहे होते हैं या किस तरह वो अगर फेवरेट फेवरटिज़म या नेपोटिज्म की तरफ जा रहा होता है तो उसकी बेस क्या है उसके रीजंस क्या हो सकते हैं आ, हम डिस्कस करते हैं डार्क पर्सनैलिटी फ़ीचर्स हम जैसे कहा जाता है गुड एप्पल्स एंड बैड एप्पल्स विद इन दर्गनाइजेशनल तो ये देखें ये है. और जब मैं बिहेवियर को जब हम डिस्कस करते तो हम कहते हैं कुछ एक्सटीरियर फीलिंग होती है आपके इंटीरियर कभी नहीं होते, नहीं होते और एक्सटीरियर शो ऑफ हो रहा होता है जो एक्सप्रेशन हैं आपके लेकिन जब कोई पर्सन अपने इंटीरियर उसके कब शो होते हैं जब वो बिहेव करता है जब वो एटीट्यूडनल पॉइंट पे वर्कर्स के साथ आप कह सकते हैं कि अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ मैनेजर्स के साथ टीम लीड के साथ एक ग्रुप में जब बिहेव कर रहे होते हैं जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बेसिकली इसके पीछे आपकी पर्सनैलिटी आपके बिहेवियर वर्कर पर्सनैलिटी वर्कर बिहेवियर ही मोटिवेट कर रहे होते हैं और अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं प्रोसीड कर रहे होते हैं तो इसलिए हाथ स्टडी ने मोटिवेट uh, किया डिफरेंट रिसर्चर्स को तो इसके बाद बिहेवियरियल स्टडीज़ की गई इसके बाद साइकोलॉजी पे स्टडी की गई ह्यूमन साइकोलॉजी पे स्टडी की गई इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पे स्टडी की गई इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे काम हुआ स्टडीज़ हुई रिसर्चेज हुई एक्सपेरिमेंट्स हुए, हुए, हुए कि किस तरह बिहेवियर को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो आप अगर ह्यूमन बिहेवियर वर्कर बिहेवियर पे काम करें आपकी ट्रेनिंग में वर्कर बिहेवियर्स पे आ, ट्रेनिंग सेशनस हों तो अल्टीमेटली आपका वर्कर की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सकती है और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हों जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हों और आप इंटरनजिक या इंटीरियर ट्रेड्स पे काम ना करें तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो आउटपुट नहीं दे पाती जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो अब हमने कुछ क्लियर किया कि हाथ स्टडी के इफ़ेक्ट क्या रहा हाथ स्टडी के इफ़ेक्ट ये थे कि इसके बाद बिहेवियर पे स्टडीज हुई और बिहेवियरल साइंसेस को ही पार्ट बनाया गया ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली तो हमने ये बात की कि ये कोई ईजी नहीं है कि आप किसी बिहेवियर को लिमिट करें लिमिटेड कर दें फॉर सम दर्थन स्टडीज एंड द स्टडीज़ कंडक्टेड अप टू दंडक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट अदर्स में कंसिडर द स्टडीज कंडक्टेड आफ्टर दिगिनिंग ऑफ बिहेवियल साइंस मूवमेंट In early 1950s, the foundation for research and human behavior was established with various type of organizations. By citing this uh, criterion, some may contend that this is the beginning of behavioral science approach. But an analysis of studies con con uh, conducted after the Hudson's experiment may reveal that they draw heavily from behavioral sciences. so we will conclude that formal beginning of behavioral sciences approach was in early 1950 and behavioral science approach is broader extension of human relationing management हमने ये तो कुछ यहाँ डिस्कस किया कि हार्टन स्टडी ने बेस प्रोवाइड की uh, human behavior studies को human behavior relationships को uh, जब एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन एक फ्लाट हा एक गैप था ऑर्गेनाइजेशनल फिलासफ़ी में ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज़ में ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेरिमेंट्स में प्रोडक्टिविटी तो क्यों इंक्रीज नहीं हो रही प्रोडक्टिविटी के डिक्लाइन के रीजंस क्या हैं तो इसके पीछे इसकी बेस इसके रीजंस जो थे वो ह्यूमन बिहेवियर्स थे जितना आप बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को जितना अप करेंगे जितना पुश अप करेंगे उस पर जितनी ट्रेनिंग दी जाएगी उसको जितना इन्फ्लुएंस किया जाएगा मोटिवेट किया जाएगा वर्कर को चाहे वो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्यों ना हो आज अगर वर्कर परफॉर्मेंस को नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स के के पॉइंट पे मोटिवेट किया जाए तो आप देखते हैं आपका वर्कर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है यानी अगर किसी को जस्ट अप कर दिया जाए तो उससे भी पुश अप कर दिया जाए मोटिवेट किया जाए कि वर्कर की आप एप्रिसशन्स या अप्रीसीशन फॉर एग्जांपल एवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं उसे अवार्ड किया जाता है कुछ वर्कर्स को तो आप देखते हो कि आपका वर्कर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है क्योंकि आप बिहेवियर पे काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कंपनी में जब बिहेवियर पे काम किया जाए इनकलनेशन पे काम किया जाए फीलिंग्स पे काम किया जाए और इनकी इम्प्रोमेंट्स में इनको स्ट्रेंथन करने में इनकी इम्पेयरमेंट को कंट्रोल किया जाए इनकी मींस के अगर ये बिहेवियल स्ट्रेंथ जो है ये वीक हो रही है वर्कर की तो उस पर अगर काम किया जाए तो अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशेंसी आर्गेनाइजेशनल इकोसस्टम ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट ये स्ट्रेंथन हो सकती है इम्प्रूव हो सकती है अगर बिहेवियर पे काम किया जाए तो ये हमारे पास हमने कुछ शॉर्ट नोट देखा जो कि पोस्ट हॉस्टल स्टडी से रिलेटेड था अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी बिहेवियरियल साइंसेस पे स्टडीज पे आप काम कर सकते हैं अगर आप ह्यूमन बिहेवियर विद इन विदिन ऑर्गेनाइजेशन स्टडी कर रहे हो फर्स्ट मेरे पास है व्हाट इज बिहेवियरियल साइंसेस द बिहेवियरियल साइंस कलेक्टिवली टू सम डिस्टिंक्ट फील्ड्स ऑफ स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर these fields of psychology sociology social psychology and cultural anthropo anthrop uh, anthropology thus we can see in an interdisciplinary approach as a major characteristic of behavioral science under this approach scientific methods are applied in studying understanding explaining predicting and changing human behavior तो ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने में चेंज मैनेजमेंट डिफरेंट अप्रोचेज आप अप्लाई कर सकते हैं मैंने जैसे आपको कहा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं वर्कर्स को लीव प्रोवाइड की जा सकती हैं रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जा सकती है ट्रिप प्रोवाइड किए जा सकते हैं आउटडोर विजिट्स दिए जा सकते हैं ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप अगर मैनेजमेंट हैं आप कंपनी की मैनेजमेंट को डील कर रहे हैं तो आप ऐसी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करके अपने आप ऑर्गेनाइजेशनल ओ बी आ, को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को वर्कर्स बिहेवियर को पर्सनल बिहेवियर इंप्लाइज बिहेवियर वर्कफोर्स फोर्स वर्क फोर्सेज को आप मोटिवेट कर सकते हैं और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है ऑब्जेक्टिव क्या है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए आपको वर्कर्स बिहेवियर पे काम करना चाहिए स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीजर्स इट इज लार्जली इंडक्टिव एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड फोकसिंग ऑन द इशूज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ड्रॉइंग फ्रॉम जी सोशलोजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप ऐसी पोजिशन पर हैं चाहे वो टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है आप मिडल का हैं या लोअर मैनेजमेंट का पार्ट है आपको वर्कर बिहेवियर को एनाल करते हुए जज करते हुए आपको वर्कर्स को टास्क प्रोवाइड करने चाहिए असाइन करने चाहिए आप देखते हो आपका वर्कर कैसे बिहेव करता है एक टीम में आप वर्कर कैसे बिहेव करते हैं एक ग्रुप में आप वर्कर कैसे बिहेव करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे आप वर्कर कैसे बिहेव करते हैं जब वो लोअर लेवल पे परफॉर्मेंस देता है तो यहाँ फिर वर्कर बिहेवियर को देखते हुए आप वर्कर को ड्यूटी असाइन करें बाजुकात आप देखते हो ऑर्गेनाइजेशंस में कि कुछ लोग पब्लिक डीलिंग में स्ट्रांग नहीं होते फिर आप उसको उनको रिसेप्शन दे देते हैं कुछ लोग पब्लिक डीलिंग में उनका या उनका बिहेवियर वो मीन्स के हार्श बिहेवियर पर्सनैलिटीज़ होती हैं डार्क पर्सनैलिटी ट्रेड्स उनमें पाए जाते हैं तो आपने ये चीज़ एनालाइज ही नहीं की और उनको ऐसी पोजीशंस पे आप ले आए हैं जहाँ आपको लॉसेस फेस करने पड़ते हैं यानी अगर आप एक वर्कर को एक पर्सन को ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक पुलिस में आप उसको रिक्रूट या सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप देखें कि क्या ये पब्लिक डीलिंग कर सकते हैं ये पर्सन क्या इसमें इतना स्टेमिना है क्या इसके बिहेवियर इसको इसके बिहेवियर किस लेवल की हैं क्या इसकी बिहेवियरियल अप्रोच बेस्ट हैं सूटेबल हैं सुटेड हैं इस जॉब के लिए तो ये है बिहेवियरियल साइंसेस कि आप वर्कर के बिहेवियर को एनालाइज करें वेफाइबल ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करें ऑब्जर्व करें और फिर आप उस वर्कर को जॉब करें या टास्क साइन करें अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं जा रहा हूँ कुछ देख लेते हैं कि आप कौन कौन सी स्टडीज कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी तो हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी दिस फील्ड फोकसेस ऑन स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन दी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट in doing so it examines the human behavior that is learned through various institutions such as family religion and so on cultural anthropology in particular has made significant contributions to understanding of impact of culture on the structural and functional aspects of formal organizations in the field of management a new era known as cross cultural or uh, comparative management is a uh, uh, developing the cross cultural movement attempts to study managerial practices in different cultures and try to see cultural explanations for differences, if any. This field of knowledge will be very useful for those organizations which have overseas operations and those planning to set up subsidiaries or uh, branches in other cultures. तो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली आप जब ह्यूमन बिहेवियर को किसी भी कल्चर को देखते हुए एनालाइज करें यानी आप देखते हो कि आप फॉर एग्जांपल एक ऐसी लोकेलिटी में आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जहां आ, जहां लिबरलिज्म है जहां मॉडर्नाइजेशन है तो आप देखें कल्चर क्या है उस कल्चर को देखते हुए आपको ऑर्गेनाइजेशनल फिलासफी सेट करनी होगी ऑफ़ आपको तो सेट करने, सेट करने होंगे तो अब आप देख रहे हैं कि किस कल्चर का पार्ट है आप एक ऐसे कल्चर का पार्ट हैं जो फॉर एग्जांपल साउदर्न एरियाज हैं और या नॉर्थर्न एरियाज हैं तो आप देखते हो कि यहाँ हम जहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन हम बिजनेस करने जा रही हैं या इंस्टॉल करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं इस एरिया का कल्चर क्या है हमें एडवर्टीज़मेंट कैसी करनी चाहिए हमारी एडवर्टीज़मेंट क्या कल्चर एक्सेप्ट करेगा हमारी एडवर्टीज़मेंट को क्या लोकेल्टीज़ एक्सेप्ट करेंगी हमारे प्रोडक्ट्स को क्या लोकेलिटीज एक्सेप्ट करेंगी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इन्वामेंट को क्या इम्प्लॉज़ या वर्कर्स जो इस सोसाइटी का पार्ट हैं एक्सेप्ट कर पाएंगे तो ये अच्छा अब हम कह रहे हैं थ्रोपालोजी जो कि आप बेसिकली अपनी फैमिली से ये फैमिली कल्चर होता है ये रिलीजन है बेसिकली आपके रिलीजन आपकी फैमिलीज आप किस लोकेल्टी का पार्ट हैं कहाँ बिजनेस इंस्टॉल कर रहे हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन है आपकी और वहाँ हाउस होल्डस यानी फैमिलीज़ के कल्चर क्या है उसको देखते हुए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को सेटअप करना होगा जैसे मैं कहता हूँ कि आप जिस यूनिवर्सिटी में फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिशन ले रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी अब देखेगी कि हम किन लोगों को किन स्टूडेंट्स को यहाँ कर रहे हैं या किन स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं अब आपको उस इदारे को क्लियर रहेगा उस एजुकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को क्लियर रहेगा कि हमारी फिलासफी हमारी अप्रोच क्या हो तो ये बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी है तो आपको जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है आ, आप मैनेजरियल पोजीशंस पे काम कर रहे हैं तो आपको एंथ्रोपोलॉजी को ज़रूर ऑब्जर्व करना चाहिए एनालाइज करते हुए आ, अपनी स्ट्रेटजीज अपनी प्लानिंग प्लान सेट करने चाहिए पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए ताकि आप आपका ऑर्गेनाइजेशनल एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट लिंकअप रहे और यहाँ अट्रैक्शन रहे यहाँ डिस्टर्बेंस ना रहे इसी तरह सेकंड जो स्टडी की जा सकती है वो है साइकोलॉजी साइकोलॉजी से आप रिलेटेड हैं जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी साइकोलॉजी मीन्स के स्टडी ऑफ सोल जिसे मैं कह सकता हूँ दिस फील्ड ऑफ स्टडी फोकसेज ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर अब आप प्योर बिहेवियर पे स्टडी कर रहे हैं इट एग्जामिन इंडिविजुअल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी एटीट्यूड्स वैल्यूज नॉर्म बिलीव लर्निंग बिहेवियर मोटिवेशन नीड एंड नीड सेटिस्फ़ैक्शन individual differences and so on psychology has made significant contributions to the understanding of human behavior in formal organization this is especially true in motivation and job satisfaction aspects in the organization जब आप साइकोलॉजी पे काम करते हो ह्यूमन साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर आप माइंड स्टडी कर रहे हैं आप सोल को स्टडी कि, किया जा रहा है अब यहाँ देखना होगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कि आप जिन वर्कर्स को हायर कर रहे हैं जिन वर्कर्स को आप रिक्रूट कर रहे हैं या जिन वर्कर्स की सिलेक्शन की जा रही है या तो उनकी उनकी साइकोलॉजी क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन किन बिहेवियर्स को एक्सेप्ट कर सकती है क्या हम वर्कर टीचिंग में ले रहे हैं क्या ये वर्कर एग्जामिनेशन में दिया जा रहा है क्या ये वर्कर पब्लिक डीलिंग के लिए दिया जा रहा है अब जो वर्कर की जॉब डिस्क्रिप्शन हैं उनको देखते हुए आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या बिहेवियर हम कौन से बिहेवियर्स हमें यहाँ हमें एक्सेप्ट करने चाहिए या सूट करेंगे अगर आप देखती हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वर्कर बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो कि ग्रुप ऑफ वर्कर्स से ही क्रिएट हो रही है बिल्डअप हो रही है या आपको सूट नहीं कर रही तो आपको काम करना चाहिए आपको ट्रेनिंग्स, आपको ट्रेनिंग सेशंस, आपको सेमिनार्स करने चाहिए आप वर्कर बिहेवियर डेवलपमेंट पे ह्यूमन पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट पे पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट्स uh, पे आपको काम करना चाहिए एटीट्यूड्स पे काम करना चाहिए तो अल्टीमेटली uh, आपके वर्कर्स बिहेवियर स्ट्रेंथन होंगे और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी तो अगर आप साइकोलॉजी को स्टडी करें तो आप कहेंगे कि हम ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं अब नेक्स्ट स्लाइड मेरे सामने है जो कि सोशल साइकोलॉजी दिस फील्ड इज कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ साइकोलॉजी विद रैपिड डेवलपमेंट दिस फील्ड इज बिगिनिंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ बिहेवियरल साइंस व्हाइल साइकोलॉजी डील विद इंडिविजुअल बिहेवियर सोशल साइकोलॉजी फोकस ऑन बिहेवियर एज इट रिलेट्स टू अदर इंडिविजुअल दैट इज इंटरपर्सनल बिहेवियर तो जब आप सोशल साइकोलॉजी में जाएंगे तो आप आप देखते हो कि एक टीम लीड या लीडर का बिहेवियर किस तरह वर्कर्स uh, के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं वर्कर बिहेवियर वर्कर्स बिहेवियर सबऑर्डिनेट्स बिहेवियर किस तरह लीडर uh, बिहेवियर को सुपरवाइजर बिहेवियर को इफेक्ट कर सकते हैं अब आप सोशल साइकोलॉजी पे काम सोशलाइजेशन पे काम करेंगे यानी जब आप इंडिविजुअल को एग्जामिन करें तो हम साइकोलॉजी देख रहे हैं और जब आप एज अ होल और वर्कर्स को uh, uh, आप कम्युलेटिव लेवल पे जाके एग्जामिनेशन कर रहे हैं uh, और तमाम के लिए सोच रहे हैं एज अ ग्रूप ग्रुप के लिए आप स्टडीज इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेनिंग सेशंस आप एलो कर रहे हैं या सेमिनार्स आप कर रहे हैं तो ये क्या होगा सोशल साइकोलॉजी होगी जिसे हमने कहा इंटरपर्सनल बिहेवियर इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर स्टडीड विद ग्रेट इंटरेस्ट टू डिटरमिन द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर स्टडीज विद ग्रेट इंटरेस्ट टू डिटरमिन द फैक्टर्स

अब जो मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड है है वो सोशियोलॉजी से रिलेटेड दिस फील्ड ऑफ स्टडी अटेम्प्ट्स टू एग्जामिन ग्रुप बिहेवियर ये प्योर ग्रुप बिहेवियर जैसे हमने कहा सोशल साइकोलॉजी अब सोशोलॉजी एक ग्रुप को आप एग्जामिन करेंगे एक ग्रुप में आप देखती हो कि फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में uh, जेंडर डिफरेंसेस पे अगर आप एनालाइज़ कर रहे हैं एक ग्रुप में जेंडर डिफरेंसेस पे स्टडी कर रहे हैं या एक ग्रुप को एग्ज़ामिन किया जा रहा है एक टीम ग्रुप को एग्जामिन किया जा रहा है उनके बिहेवियर एग्जामिन किए जा रहे हैं किस तरह ग्रुप बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं और ग्रुप बिहेवियर को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है अब ग्रुप बिहेवियर इंप्रूव करते हुए किस तरह ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस गोल अटेनमेंट में आप अपना रोल परफॉर्म कर सकते हैं आपके वर्कर्स या ग्रुप्स दैट इज़ हाउ इंडिविजुअल एक्ट एंड रिएक्ट इन ग्रुप्स दिस ग्रुप्स में रेंज एनी फ्रॉम फ्राम स्मॉल क्लिक्स टू कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स आर स्टडी रिसर्च स्टडीज ऑन ग्रुप फॉर्मेशन ग्रुप को हैसेवनेस ऑफ इंट्रैक्शन विद द ग्रुप स्टेटस रोल पावर स्ट्रक्चर ग्रुप नॉर्म सोशल प्रेशर्स And tactics of groups and the similar other concepts have received much attention by the organizational theorists and uh, practitioners. In fact, a number of training and developmental programs in industries uh, uh, are using many psycho psychological concepts successfully. For instance, sensitivity training programs in which T groups are used. देखिए ये डिफरेंट स्टडी प्रोग्राम आर्गनाइजेशन लॉन्च करती हैं जैसे इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन है आई एस डी जब आप आ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सोशियोलॉजी पे काम करेंगे तो आप अब सोशलाइजेशन पे काम कर रहे हैं सोशलाइजेशन मींस ये किस तरह इंडिविजुअल बिहेवियर ग्रुप बिहेवियर को चेंज कर सकता है जैसे मैंने आपको कहा कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हो कि वहाँ स्ट्राइक्स स्टार्ट हो चुकी हैं आपके वर्कर्स स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं वहाँ ऑर्गेनाइजेशनल यूनियंस जो हैं वो आपके अगेंस्ट हो चुकी हैं और उन डिमांड्स कर रही हैं और डिमांड्स फुलफ़िल नहीं हो रही तो वर्कर स्ट्राइक की तरफ़ जा रहे हैं और आपके आपकी प्रोडक्टिविटी को आपकी मार्केट डिमांड को इफ़ेक्ट करेगा इससे आपकी मार्केट डिमांड डिस्टर्ब होगी तो इस सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो अब आप क्या करते हो आप आ, उन लोगों के बिहेवियर को चेंज करने के या मोटिवेट या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो जो आ, पिलर्स होते हैं यूनियंस के या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग ग्रुप्स के आप देखते हो कि इस ग्रुप में जो सीनियर्स हैं या जो पिलर्स हैं या जो मींस के यूनियन uh, प्रेसिडेंट है मेंबर्स हैं उनको कैप्चर किया जाए जब उनके बिहेवियर कैप्चर कर लिए जाते हैं लीडर्स के बिहेवियर जब कैप्चर किए जाते हैं तो अल्टीमेटली वो लीडर्स अपने फॉलोअर्स को अपने सबॉर्डीनेट्स को मोटिवेट कर लेते हैं इन्फ्लुएंस कर लेते हैं तो ये क्या है एक स्टडी की जा रही है कि स्ट्राइक्स को कैसे कंट्रोल करना है तो मैं हम यहाँ ये कुछ कहना चाह रहा हूँ कि सोशलोलॉजी बेसिकली आप सोशलाइजेशन पे स्टडी करेंगे आप ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी पे स्टडी करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सोसाइटीज़ हाउ मच इन नंबर्स द सोसाइटीज़ आर प्रिवेलिंग ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट में कितनी सोसाइटीज़ प्रिवेल कर रही हैं कितनी सोसाइटीज़ फंक्शनिंग हैं फंक्शन है तो यहाँ क्लियर रहता है कि यहाँ पांच ग्रुप काम कर रहे हैं तो अब आप देखते हो कि कौन से ग्रुप ऐसे हैं अगर मेजॉरिटी को या कौन से ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉग हैं जिनको आप आज पब्लिक आर्गनाइजेशन में गवर्नमेंट गवर्नमेंटल यूनिट्स में डिपार्टमेंट्स में आप देखते हो कि वहाँ यूनियंस हैं वहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल वर्कर्स की ग्रुपिंग्स होती हैं वो कास्ट बेसिस पे होती है वो कास्ट क्रीड बेसिस पे होती है वो आप कह सकते हैं कि सीनियर और जूनियर लेवल पे होती हैं ये बेसिकली सोशलाइजेशन uh, है अब जब आप मैनेजमेंट का पार्ट हैं तो अब आप यहाँ लोगों के बिहेवियर कैप्चर करेंगे लोगों के बिहेवियर्स पे काम करेंगे कि हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड फ्रॉम इंडिविजुअल और थ्रू इंडिविजुअल हाउ यू कैन कैप्चर अ ग्रुप ग्रुप ऑफ वर्कर्स ग्रुप ऑफ वर्क फोर्स ये हमारे पास सोशियोलॉजी है तो हमने आज के लेक्चर में जो कि एक शॉर्ट लेक्चर था हमने सोशलाइजेशन पे काम बात की हमने बिहेवियर साइंसिस पे बात की हमने ये कुछ क्लियर करने की कोशिश की कि हॉथन इफ़ेक्ट के बाद ह्यूमन रिलेशंस इन मैनेजमेंट किस तरह इस पे स्टडीज़ गुँ गु या ये किस तरह एक एवोल्यूशनरी स्टेप था एवोल्यूशनरी स्ट्रगल थी जिसने ऑर्गेनाइजेशनल या इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक एवोल्यूशन ले आया यहाँ से एवोल्यूशन स्टार्ट हुई यहाँ से बिहेवियरियल साइंसेस बिहेवियरियल स्टडीज़ इंप्लीमेंट यानी बिहेवियरियल स्टडीज़ के रिजल्ट्स को इंप्लीमेंट किया गया ऑर्गेनाइजेशंस में तो आज जिन ऑर्गेनाइजेशंस में जिन कंपनीज में जिन बिजनेसिस में बिहेवियर्स को uh, एक कोर पॉइंट पे कोर व्यू में देखा जाता है एक कोर पॉइंट डिस्कस किया जाता है और पॉलिसीज़ uh, में स्ट्रेटजीज में या ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग में बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हुए एनालाइज करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग की जाती है ऑर्गेनाइजिंग की जाती है या मोटिवेशन मोटिवेशनल एक्टिविटीज लॉन्च की जाती हैं तो यहाँ अगर बिहेवियर पे काम हो तो वह फ्लरिश करती हैं और फ्लरिश कर सकती हैं तो अब हमने हार्थ स्टडीज़ और हार्थ स्टडी के इफ़ेक्ट को क्लियर कर लिया तो अब कोई भी आपके इश्यूज़ या क्यूरीज हैं तो हमारी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह जूम पे होगी आपके जितनी भी हम स्टडीज़ कर चुके हैं वो क्यूरी क्लास होगी तो आप अपनी क्यूरीज़ को नोट कर लें और जब जूम की जूम क्लास हो हमारी तो उसमें आप ज़रूर अपने क्वेश्चन सामने रखें ताकि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ या कन्फ्यूजन हैं वो हम क्लियर कर दें थैंक्स फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज